अरे दोस्तों, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आज है होली और मैं हूँ हल्द्वानी में, इस समय नैनीताल रोड पर मेडिकल कॉलेज के पीछे वाले गेट पे, और यहीं पे स्टेडी जी की लगती है राजमा चावल, कड़ी चावल और मीट चावल का स्टॉल। इनकी पहले भी वीडियो बनाई थी, आपको बहुत अच्छी लगी, दोबारा फिर मैंने बनाने की सोची क्योंकि आज होली है। मैंने कहा कुछ आपको दिखाया जाए, एक आएगा इनका टेस्ट करा जाए। तो दोस्तों, वीडियो अगर फर्स्ट टाइम है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि नई नई वीडियो आपको देखने को मिले। चलते हैं सीडी से पूछते हैं कितना पुराना काम है इनका और क्या क्या आज बनाया है होली वाले दिन। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से पूरा सेटअप है। ये आपकी बरेली रोड है और पीछे वाला गेट है ये मेडिकल चौकी वाला, ठीक यहीं पे लगती है सेठी भाई की मसूर राजमा चावल। आज होली का दिन है, दुकान यहाँ पे खुली हुई है और क्या क्या बनाया है इन्होंने पूरा का पूरा हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे। और हमारे देखिए भैया खा रहे हैं यहाँ पे। भैया आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो भैया कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, बढ़िया लगा। तो कितने वक्त से आप भैया आ रहे हैं यहाँ पे? जब मूड हो जाता आ जाता हूँ। जब मूड होता तब आ जाते हैं। आज होली का दिन है, आपका मूड हुआ आप आ गए। चलिए भैया एंजॉय करिए। तो देखो ये बना हुआ है आपका, ये आपके राजमा चावल, ये राजमा है, ये पूरा भवाना भरा हुआ है। होली का दिन है तब भी दोस्तों पब्लिक बहुत जबरदस्त यहाँ पे आई हुई है और यहाँ पे अभी और चावल यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। ये देखिए। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे एक भैया और भी हैं जो कि राजमा चावल के मजे ले रहे हैं। भैया होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपको भी सर। तो कैसा लगा आपको यहाँ पर राजमा चावल? बहुत बढ़िया लगे। मैंने सब्जी खाया लेकिन यहाँ पर अच्छा लगा। अच्छा। तो कितनी मतलब पहली बार खा रहे हो या आते रहते हो आप? पहली बार खा रहे हो? कहीं से आ रहा होली खेलते भूल के खा रहे। अरे वाह वाह। तो कहा हल्द्वानी को बाहर के हो? अरे देवल चौड़ के हैं भैया। इधर से आ रहे थे और इन्होंने यहाँ पे ट्राई करा, काफी अच्छा लगा। हल्द्वानी में इन्होंने और भी जगह खाया लेकिन यहाँ का इनको अच्छा लगा। अच्छा लगा, धन्यवाद भैया बहुत बहुत। दोस्तों ये बना हुआ है, देखिए चिकन, ये देखिए रोगन, देखिए लाल लाल, और इसमें आपका चावल बन रहा है। चावल इसमें रखा हुआ बड़े वाले भगवान में खत्म हो। अच्छा देखो दोस्तों, एक लॉट खत्म हो चुकी है, दूसरी लॉट अभी तैयार हो रही है। तो मुलाकात करते हैं सीडी भाई से, पहले भी मुलाकात कर चुके हैं। सीडी भैया नमस्कार। नमस्कार जी, आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। तो सीडी भैया एक बार फिर से बता दीजिए कितना पुराना काम है आपका? हो गए 12-13 साल हो गए। 12-13 साल हो गए जी। अच्छा, और क्या क्या बनता अपने वहाँ? सब हर दिन अलग अलग आइटम बनते हैं। हर दिन अलग अलग आइटम बनते हैं। मटन और चिकन किस दिन बनता है? इतवार और बुधवार। बाकी शुक्र को चिकन चावल और मंगल को पनीर, शनिवार को पनीर चावल। हर दिन हर वैरायटी चेंज होती रहती है आपको मिलेगी दोस्तों। अच्छा क्या क्या रेट अपने वहाँ राजमा चावल, कड़ी चावल का, पनीर चावल का और मटन? पनीर चावल का 80 रुपए का हाफ है और राजमा चावल 30 का हाफ है और मीट चावल है 150 रुपए प्लेट। 150 रुपए का हाँ जी। चिकन भी 100 रुपए की प्लेट। चिकन की 100 रुपए की प्लेट है। कितने पीस रहते हैं उसमें आप? चिकन में 2 पीस आते हैं, मटन में 150 में 3 पीस। 3 पीस आते हैं। अच्छा समय क्या अपना यहाँ पे लगाने का? सुबह 7 बजे से चालू हो जाता है। 7 बजे से कितने बजे तक चालू होता है? 7 बजे से फिर 2 बजे तक रहते हैं। अच्छा 2 बजे तक रहते हैं। छुट्टी तो मेरे ख्याल से रहती नहीं क्योंकि आज होली है, तो होली के दिन भी आपने यहाँ पे स्टॉल खोल रखा है, छुट्टी रहती नहीं दोस्तों। आपको 24/7 मिल जाएगा आपको यहाँ पे खुला हुआ, बस रात में बंद होता है, बाकी आपको दिन में पूरी की पूरी सेवा मिलेगी। अभी 1 बजे भी खत्म हो जाता है, 12:30 अभी 12:30 बजे खत्म हो जाता है। बाकी नंबर मैं डाल दूंगा भैया का, आप इनसे फोन करके पूछ सकते हैं कि सौदा बचा है या नहीं बचा है, क्योंकि सौदा इतनी जल्दी निपट जाता है यहाँ पे, पता नहीं चलता क्योंकि पैकिंग भी बहुत होती है। आज होली का दिन है, लोगों की पैकिंग यहाँ पे चल है क्योंकि अधिकतर लोग अपने घर में एंजॉय करना चाहते हैं, तो पैकिंग भी काफी जा रही है। देखिए चावल आ गया लॉट और अभी 9:30 बजे का वक्त है, एक लॉट चावल का निकल चुका है, दूसरी लॉट आ रही है। तो दोस्तों हम भी अभी ट्राई करेंगे एक बार फिर से यहाँ का चिकन चावल और बताएंगे आपको कैसा टेस्ट है सीडी जी के वहाँ का। तो धन्यवाद सीडी जी बहुत बहुत।
और यहाँ का एड्रेस भी और बता दो। बरेली रोड मेडिकल कॉलेज के पास, बरेली रोड मेडिकल चौकी के पास है, ये पीछे वाला गेट है दोस्तों, ये बरेली रोड का वहीं पे किनारे में आपको मिल जाएगा सीडी जी का स्टॉल। ये भाई आए हमारे, देखिए ये आवाज पश्चिम आ रही है, बिल्कुल पश्चिम आवाज आई है भाई की। की सब्जी बनी है आलू मटर, आलू मटर, अरे वाह। और दोस्तों पराठे का साइज देखिए आप, ले आलू मटर की सब्जी है ये, गाड़ी गाड़ी, अरे जबरदस्त। तो दोस्तों अब लग रही है हमारी प्लेट, और ये आया आपका चिकन। वैसे तो एक प्लेट में कितने मिलते हैं अपने सीडी जी? ये दो पीस मिलते हैं, और ये देखिए लेग पीस जबरदस्त। चावल दोस्तों मैंने थोड़ा कम लिया है, आपको इसकी क्वांटिटी ज्यादा मिल जाएगी, मैंने कम लिया है। आप लोग कमेंट्स में कहते ना कि चावल की क्वांटिटी कहीं कम है, तो दोस्तों मैं कम लेता हूँ, ये मैं सोचना कि उसमें क्वांटिटी कम मिलती है। अगर जैसे किसी की ग्रेवी अगर कम हो जाए तो आप दोबारा दे देते हैं, तो जितने बार मांगे, जितने बार मांगोगे उतने बार आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों लग चुकी है हमारी चिकन चावल की प्लेट सेठी जी की, वहाँ की बरेली रोड वालों की, और टेस्ट करते हैं बताते हैं आपको जायका कैसा है। आप लोग लीजिए वीडियो का मजा, मैं लेता हूँ चिकन चावल का मजा। तो दोस्तों आप लेग पीस देख सकते हैं, देखिए गरम गरम लेग पीस है, थोड़ा कैमरा सामने ला के दिखाओ, जबरदस्त। और एक बाइट बनाते हैं, पहले तो मैं आपको चिकन को दिखा दूं, देखिए किस तरह से गला हुआ है, ये देखिए पूरा का पूरा गला हुआ है, ये बताता है कि कितना जबरदस्त अनुभव है सेठी जी का। चिकन लेते हैं, थोड़ा सा चावल लेते हैं, और एक बाइट बनाते हैं, हैप्पी होली, चीयर्स द बाइट। एक ही बार में भैया जो चिकन का स्वाद आया, ऑसम, हल्का सा स्पाइसी है जो थोड़ा लोग पसंद करते हैं। दोस्तों चिकन जो बना है, ग्रेवी देखिए बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी ग्रेवी है, पतली बिल्कुल नहीं है, बहुत बढ़िया है, बहुत उम्दा है सेठी जी का चिकन चावल। पहले मैंने इनका मटन चावल ट्राई करा था, वो भी बहुत ऑसम था, इस बार चिकन चावल कर रहा हूँ, ये भी बहुत ऑसम है। एक बार आप लोग आइए, वाकई में खाने लायक है, घर ले जाने लायक है। फिनिश करता हूँ, मिलता हूँ आपको उसे खाने के बाद। गुलाल उड़ाते हुए तो दोस्तों मैंने तो यहाँ पे सेठी जी के दोबारा एक बार से चिकन चावल टेस्ट करा, पहले मटन चावल करा था, इस बार चिकन चावल करा, वाकई बहुत औसम है चिकन जो बनाया, बहुत ही बढ़िया। एक बार आप लोग भी यहाँ पे आइए और टेस्ट करिए, हर दिन अलग अलग बनता है, राजमा चावल, कढ़ी चावल और पनीर चावल भी बनाते हैं। सुबह का वक्त है, होली का दिन है, तब भी इतनी भीड़ है इनके वहाँ। तो दोस्तों अगर एक बार आप लोग भी कभी हल्द्वानी आए तो सेठी जी के वहाँ इनका चिकन चावल खाने जरूर आए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, ताकि नई नई वीडियोज आपको देखने को मिले। तो मिलूंगा नई जगह, नए स्वास्थ्य दिखाऊंगा, नए जायके को दिखाऊंगा। जय हिंद, जय भारत, और हैप्पी होली एक बार फिर से आपको।